लेट्स टू क्वेश्चन नंबर टेंथ ऑफ एक्सरसाइज थ्री डी दैट इज लीन इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन ये शो करना है कि इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले आप अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं वो है टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फाइव ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है सिक्स एक्स माइनस थ्री सॉरी नाइन वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हमें सी वन सी टू लेफ्ट हैंड साइड लाना होता है तो ये आया टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और 6x एक्स माइनस नाइन वाई माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू ज़ीरो आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन अब हमारा a1, a2 देखिए ए वन क्या ए टू क्या है एक्स के साथ के कॉफिशेंट बी वन बी टू क्या है वाई के साथ के कॉफिशेंट और सी वन सी टू क्या है ये दोनों तो हमने लिखा ए वन है हमारा टू और ए टू है हमारा सिक्स इसी तरीके से बी वन है हमारा माइनस थ्री और बी टू है हमारा माइनस नाइन इसी तरीके से c1 है हमारा माइनस फाइव और c2 है हमारा माइनस फिफ्टीन अब हमें पता है इस दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारी कंडीशन क्या होती थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारी सॉल्वेबिलिटी कंडीशन होती थी a1 वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू राइट अब ए वन ए टू क्या है टू अपॉन सिक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन नाइन लेकिन माइनस का इक्वल्स टू माइनस फाइव अपॉन माइनस फिफ्टीन अब माइनस माइनस कैंसिल कर दिए ऊपर नीचे थे तो ये कितना आ गया ये आ गया हमारा टू अपॉन सिक्स इक्वल्स टू थ्री अपॉन नाइन ईक्वल्स टू फाइव अपॉन फिफ्टीन राइट अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा ये जो दोनों नंबर आपस में कटेंगे कैंसिल होंगे वो एक ही नंबर से होंगे लाइक ये दोनों टू से कैंसिल होंगे ये दोनों थ्री से और ये दोनों फाइव से लेकिन कैंसिल होने के बाद सेम आने चाहिए तभी ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे राइट टू वन जो टू टू थ्री सिक्स तो वन अपन थ्री इक्वल्स टू थ्री वन ज थ्री 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 इज नाइन टू वन अपन थ्री फाइव वन जो फाइव फाइव थ्री फिफ्टीन then 1 upon 3 up the key a 1 upon a 2 is equals to b 1 upon b 2 equals to c 1 c 2 so hence this equation has infinite number of solutions number of solutions answer